Good morning, friends. Доброе утро, друзья. Сегодня это видео будет для англоговорящих и хиндиговорящих, поэтому следующее видео обязательно по-русски будет. Аж мы апсе бат карна чатта ху, жо студентс Россия мэ пардне ате хэ, Индия сэ, унко кя-кя чизон ки дьян рахна чийе, ताकि वो यहाँ पर आकर बिल्कुल ही बेसहारा ना हो जाएं एकदम से. बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं और सही भी बताते हैं. मैंने कई वीडियोस देखे हैं कंसल्टेंट्स के यूट्यूब पर, तो बहुत सी बातें बताते हैं. बट ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं इंडिया से और जो उनके साथ पर्सनली गुजरती है, मतलब गुजरने का मतलब ये नहीं कि सभी कुछ बुरा होता होगा, उनके साथ अच्छा भी होता है और मेनली उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में मैं थॉरोली आज वीडियो बना रहा हूँ. तो आप एंड तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने अपने बच्चे को, पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, प्लान किया है कि आप उसको अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजेंगे, नेवर माइंड कि आप रशिया जा रहे हैं या कोई और कंट्री जा रहे हैं, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो बहुत ही अलग हैं इंडिया से, तो आपका फर्ज यह है बच्चा जो है मेंटली प्रिपेयर हो एक दूसरे एनवायरमेंट में रहने के लिए. क्योंकि वो 24 घंटे पढ़ेगा नहीं, इंडिया में भी 24 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है. एक नॉर्मल लाइफ जो इंडिया में वो जी रहा है, आपका बच्चा, आपका होने वाला डॉक्टर या इंजीनियर, तो उससे बिल्कुल अलग लाइफ होती है उसकी जब वो घर से बाहर निकलता है. चाहे वो इंडिया में भी कोई और सिटी में जाएगा तो भी उसको डिफरेंस मिलेगा. तो ये देखना चाहिए आपको कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो. उसके लिए पहले तो ये है कि आप उसको थोड़ा सा ये आदत डालिए कि वो इंडिया में कम से कम छोटे छोटे काम जो हैं घर के, बिजली का बिल हो गया जमा करवाना है या कोई और काम करवाने हैं छोटे मोटे, शॉपिंग करने जाना है, कोई कपड़े भी हैं वो भी अगर सेलेक्ट कर रहा है तो खुद करे, आप ना करवाएं, उसको थोड़े टाइम तक, मतलब 6 महीने तक का प्रिपरेशन टाइम दीजिए ताकि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, वो आपकी तरफ हर बात पे ना देखे. और भी कई चीजें हैं जैसे कि खाना बनाना, ये एक मेन है. क्योंकि अगर आपको खाना नहीं बनाना आता है आपके बच्चे को तो उसको फिर यहां पर तकलीफ होगी, पहले टाइम पे ज्यादा तकलीफ होगी, फिर धीरे धीरे वो यहां पर सीखे. इससे अच्छा है कि रशिया आने से पहले या किसी और कंट्री जाने से पहले बच्चे को एलिमेंट्री दाल, चावल, अगर वो रोटी पसंद करता है तो रोटी, ये सब बनाना सिखा दें. मेरे को तो मेरे मदर ने सिखाया था ये सब, बट उन्होंने जो सिखाना चाह रहे थे वो टाइम नहीं था मुझे सीखने का. तो आप अपने बच्चे को टाइम रहते ये चीज सिखाइए, खाना बनाना. उसके बाद आ जाती है बात कि बच्चे को अपने खर्चे कैसे करने हैं, ये जरूर आना चाहिए. क्योंकि जो पैसे आप देंगे उसको रैशनली कैसे खर्च करना है ये बच्चे को शायद आपकी छत्रछाया में रहते हुए नहीं पता होता. तो ये चीज जरूर उसको सिखानी पड़ेगी आपको. प्रिपेयर कीजिए, कितना भी टाइम हो आपके पास, 6 महीने रह गए हैं या 1 महीना भी रह गया है, कितना भी टाइम है, तो आप बच्चे को ये चीज जरूर सिखाइए कि रैशनली कैसे पैसे खर्च करने हैं ताकि वो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ टिल द एंड ऑफ द मंथ उसका एक रैशनल खर्चा एक तरह का हो, अप एंड डाउन्स ना आए. क्योंकि अप में भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ज्यादा खर्चा हो जाता है, और डाउन में ये होगा कि उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, वो आपसे और मंगवाएगा. उसको समझाइए कि उसको किस बजट में
रहना चाहिए अब्रॉड, खाने का मैंने बता दिया। फिर उसके बाद ये है कि कपड़ों का बात आ जाती है, अगर आप प्रॉपरली अगर सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहे हैं या और किसी यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें कपड़े जो है वो आपको जरा देख के लेने पड़ेंगे। जीन्स जो आप इंडिया में पहनते हैं वो यहाँ चल जाएंगे, शर्ट टी शर्ट्स ये सब चल जाएंगी, जुराबें चाहे वो गर्मियों के लिए हों या सर्दियों के लिए वो भी चलेंगी यहाँ पर, मफलर हो गया वो भी, ग्लव्स, वो डिपेंड करता है कौन से मौसम में आ रहा है। तो जब आपका बेटा या आपकी बिटिया आ रहे हैं रशिया में, तो उनको आप ये चीज जो है एक सफिशियंट अमाउंट में दीजिए। सफिशियंट अमाउंट मींस कि आपने ज्यादा नहीं देना है और कम नहीं देना है, तो वो एज इफ के जैसे वो इंडिया में रह रहे हैं, और उनके जो हफ्ते में जितने कपड़े यूज होते हैं प्लस ऐड कर दीजिए वार्म क्लोथ्स, कि शर्ट तो बच्चा पहनेगा ही बट उसके ऊपर स्वेटर भी पहनेगा, हाफ बाजू का भी पहनेगा और गर्म जुराबे भी पहनेगा, मफलर है और है, कि मेनली सेंट पीटर्सबर्ग और रशिया के यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया के सिटीज में ठंड ज्यादा होती है, हवा बहुत चलती है, तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यहां पर ही आके खरीदनी चाहिए, जैसे कि विंटर जैकेट। विंटर जैकेट जो यहां पर होती है उसकी कॉस्ट वेरी करती है, आप 2500 रुपए से लेकर कीमती तो कितनी भी कीमती हो वो आप पता है उसकी कोई वो लिमिट नहीं होती है, तो वो आप बच्चे को दिलवा सकते हैं। रशिया में बेटर है कि वो आके खरीदे, फर की हो या उसके अंदर फिलिंग जो ऐसी हो जो -20 तक बियर कर ले। ऐसे ही जैसे नॉर्मल जूते होते हैं, फ्लीट बूट हो गए, आपके लेदर के शूज हो गए, ये सब भी यहां पर चल जाते हैं समर सीजन में, बट अगर आप घर के अंदर हैं तो भी ये चलते हैं। अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो आपको ये शूज जो आप पहनते हैं इंडिया में लेदर के, तो वो भी चलेंगे, बट बाहर के लिए आपको शूज यहीं से बेटर परचेज करने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फर अच्छा लगा होता है और वो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ही अच्छे बने होते हैं। हाँ, कॉस्ट का आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, कॉस्ट डिफरेंट होती है, राउंड अबाउट 1000 रुपए से आप लगा के चलिए कॉस्ट होती है एक ठीक ठाक विंटर सीजन के जूतों में, और वो यहाँ पर ज्यादा यूज होते हैं और वो जल्दी टूटते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ में फिसलन ना हो इसलिए सॉल्ट जो है वो डाला जाता है बर्फ के ऊपर ताकि बर्फ पिघल जाए, और वो सॉल्ट नीचे से जब आप ऊपर चलते हैं विंटर शूज पहनकर तो वो अंदर से उसको गला देती है। तो शूज को आपको कम से कम 1 या 2 साल के अंदर चेंज करना पड़ेगा विंटर शूज। समर का मैंने बता दिया कि वो इंडिया वाले जूते आपके अच्छे से चल जाएंगे, इवन कि यहां पर भी अब अगर आप फ्लीट बूट पहनते हैं या नाइक के जैसे होते हैं एडिडॉस के, तो उस तरह के मॉडल के जो जूते हैं बट सस्ते मिल जाते हैं, 850 से स्टार्टिंग होती है उनकी कीमत, तो ये चीज है। उसके बाद आ जाती है कि बात कि आपका बच्चा, आपका जो चाइल्ड है वो अब तक जो भी फैसले थे अपने वो आपके ऊपर छोड़े हुए था, तो उसको थोड़ा सा इस मामले में भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हर माँ बाप को पता होता है कि उसका बच्चा किस चीज के अंदर अच्छा एक्ट कर सकता है और किस चीज में वो थोड़ा वीक है, तो जो वीक पॉइंट है उसको आपको हार्ड बनाने पड़ेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा कि यहां पर आके उसको कैसे एक्ट करना चाहिए रशिया में, हो सकता है कि और भी कंट्रीज में जो टिप्स मैं आपको दूंगा वो काम आएंगी, एंड ये चीज मैंने आपको बता दी है। मेडिसिंस का ये है कि बहुत सी इंडिया में जो मेडिसिंस हैं वो रशिया में आके जो है इतनी एक्टिव नहीं रहती हैं, सस्ती होती हैं इंडिया में ऑफ कोर्स बट वो इतनी एक्टिव नहीं होती, खासतौर पे खांसी जुखाम की जो टैबलेट्स होती हैं या एंटीवायरल टैबलेट्स जो होती हैं इंडिया में, तो उनका
सॉल्ट की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। हाँ यहां पर महंगी है, बट हेल्थ का इश्यू है तो इसमें तो आप कोई बचत कर नहीं सकते हैं। तो इससे मेडिसिन का भी क्या, कुछ यहां पर अच्छा काम करती हैं, कुछ नहीं। तो आप बजट में ये भी रख के चलिए बच्चे के कि आपके बच्चे को यहां पर भी परचेज करनी पड़ सकती है मेडिसिन अगर वो बीमार हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं और भी बताऊंगा लाइफस्टाइल ऑफ रशिया कैसा है एक फॉरेनर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए और खास तौर पे एक इंडियन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।